जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, अच्छा, तो अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं एआई की बात, ठीक है? तो एआई की बात स्टार्ट करने से मेरे पिछले लेक्चर के मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, रिवाइज करना चाहूँगा जो हमने यूज़ किए थे, ठीक है? अच्छा, तला वो यासिर आएगा, वो ये ना आके कहने शुरू करते दोबारा मुझे रिवाइज कराए, उससे रब्ता करो 1 मिनट। अल्लाह मौजूद है भी, ये माइक बंद करके बैठा हुआ है। यह सब पता नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहे, रिकॉर्डिंग पता नहीं कर रहे होंगे, ये नहीं कर रहे होंगे सर, इस बात का भी ध्यान रखिएगा हाँ, तला सर, पे आप जुर्माना, रिकॉर्डिंग, तला यस पे सर, मुझे जुर्माना करना पता चाहिए। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था फिर आया क्यों? नहीं तो बताए तो सही ना। तला नहीं सर, वो स्टार्ट में आई थिंक लगा देते हैं हमेशा, कोई और मैसेज कर देना। हाँ चले, डायरेक्ट कोई मैसेज कर, चलो अच्छा ग्रुप में चले मैसेज कर यार देते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो, मैसेज ग्रुप में मैसेज कर दे अगर आना है तो, आज ये ना वेट कर रहे हो इस बात का, करता हूँ। अच्छा, वीपी की मैं थोड़ी सी बात बता दूँ, जितने हमारी कोर्स आउटलाइन थी ना वीपी की, वो सारी आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है? तो पढ़ाना तो मैंने इतना ही था, ठीक है की बात। लेकिन अभी मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि अगर ASP.NET हो ना, तो उसमें स्टेट मैनेजमेंट की चीज़ थोड़ी सी रहती है, तो मेरा इरादा यही है कि स्टेट मैनेजमेंट को आपको थोड़ा सा काम करा दूँ, जैसे कुकीज़ और सेशंस और प्रोफाइल्स वगैरह ये यूज़ होती है, आपको ये एक दफ़ा बता दूँ, ठीक है? इरादा सर मेरा ये ये बात। तो बाकी इसके अलावा ना हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? वीपी का ऑलमोस्ट सारा। सर ये मंडे से या इसके बाद करवाइएगा, मतलब इस वीक में, ये हमारा तो सैटरडे वाला वाई वाई कुछ नहीं करने दे रहा है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीक में करा दूंगा। सर हमें तो ये सिलेबस तो बता दीजिएगा, जितना हमने पढ़ा वो सारा होगा या कुछ टॉपिक्स डिडक्ट होंगे। मैं आपको बात नेक्स्ट वीक ही बता सकूंगा, क्योंकि आज मीटिंग होनी है, मीटिंग में यही चीज़ डिसाइड होनी है, क्योंकि पेपर तो आपको ऑलरेडी मालूम है, पहले फिजिकल थे, नोटिफिकेशन आया था, वो होते तो फिर तो चले डेफिनेटली अटेम्प्ट करना तो बनता था, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन पेपर का नोटिफिकेशन बाद में आया, ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन किसी ने भी ये देख लिया है क्या करनी है कैसे करनी है, वो फिर ये आज बातें तय होंगी, क्योंकि हम टीचरों की मीटिंग जुमे को ही होती है ना, तो सर उसमें वो ये ग्रुप बात। में बैठ ये भी चल रहा था, वो मैंने एक दिन देखा था, उसमें कैम होने ऑन होने की बात तो थी, अगर ऐसा हुआ सर फिर पेपर तो बहुत शॉर्ट होगा ना, क्योंकि 24 आवर्स टीचर्स अब कैम के आगे थोड़ी ना बैठ सकते। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, ऑनलाइन से ना स्टूडेंट ने अपने इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब की है, हालांकि ऑनलाइन करने से हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें उल्टा फ़ायदा ही था, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट ने ज़्यादा मिस यूज़ किया है, ठीक है? सर तो ये बड़ा ठीक है, मिसाल के तौर पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो क्लास ही नहीं थे, कहते हैं फिर एंड में हमारे जो है 12 में से 12 नंबर बन रहे हैं, कि 1 नंबर या 2 नंबर क्यों कटे हैं। तो ऐसे फिर इस दलील को आप किसी के सामने भी बात करेंगे तो आगे से हंसेगा। हालांकि देखा जाए तो स्टूडेंट्स के जीपीए जो है वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं ऑनलाइन में, बहुत ज्यादा, मेरा तो सर कम हालांकि ही हुए हैं, रियल मुझे तो हाल नुकसान हुए, यही तो गलत लेकिन बात है खैर ना। अब रियल लाइफ में क्या चीज है, रियल लाइफ में यही होता है, इंसान की चीज कम भी होती है ज्यादा। अब जब हर किसी के जीपीए इंक्रीज भी ऐसे इंक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज ऐसे भी हुए, हमें सर कैसा मैंने भी केस ऐसे ना भी था देखे लगे, सर, 2 से 3.7 8 तक भी गए हैं जिनका स्टूडेंट्स, 2 GPA गए। ओवरऑल सीजीपीए 2.1 और 2 पॉइंट है, इनका 3.7 3.8 आई है, ठीक सर आया है ना, सर आया है ना, है? तो सर ये हमसे चीज तो तो नहीं बहुत इम्प्रूव हो शॉकिंग होती पाया है, तो ये चीज बड़ी शॉकिंग होती है, फिर यूनिवर्सिटी इन चीजों पे देखती है कि ये ऐसे हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ। लोगों का लॉस हुआ है सर, कुछ लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है सर, लेकिन जो मेरा तो फायदा कम इन हुआ है टर्म्स ऑफ वो। लेकिन जो मैं आपको बात हूँ, जो फायदा इन टर्म्स ऑफ नुकसान ही हुआ है, उसकी रीजन क्या है? पढ़ा सेम आपने बात इतना सर, नहीं होगा और वो आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल चले आपके Semester 6 में या Semester 3 में आपके जो मेजर सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप उसी की जॉब का इंटरव्यू देंगे, वो कहेगा इस पर नंबर आपके ज्यादा हैं,
चीजें पूछनी शुरू कर, एक दो शुरू में पूछेगा नहीं है, क्योंकि चलो यहाँ से आप बाहर चले जाओ, आपको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। ये बड़ा लॉन्ग टर्म बड़े नेगेटिव इफेक्ट आए इस चीज पे। यस सर, मेरा भाई भी यही कहता है कि जब आपका जीपीए ज्यादा होता है तो वो एक्सपेक्ट आपसे ज्यादा कर रहे होते हैं कि आपको ये चीज भी अच्छी आती है, वो भी चीज भी अच्छी आती है। यही बात है। अब मेरा जीपीए जो एमसीएस का है ना, वो 3.88 था, सॉरी 3.90 के 91 या 3.88 इतना था, ठीक है, आउट ऑफ 4। उसमें मेरे सबसे ज्यादा नेटवर्किंग में नंबर आए हुए थे 96 से, शायद 94 से, मुझे सही याद नहीं है, काफी टाइम हो गया। तो लेकिन नेटवर्क मेरे जो है ना, इतना ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, ठीक है। अगर कोई मेरे से टेक्निकल ज्यादा सवाल पूछे तो मुझे सोच के चीजें करनी पड़ती है, बाकी तो मैं बगैर सोचे भी जवाब दे दूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन नेटवर्क मुझे देखना पड़ता है कई दफा, तो अगर वो कोई सवाल वहां नेटवर्क से पूछना शुरू कर दे तो मुझे डर ही होता है कि ये ना रिजेक्ट ही ना कर दे, ठीक है। नेटवर्क में सबसे ज्यादा नंबर है, ठीक। आप तो माशाल्लाह सर, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आप फिजिक्स पढ़ के इधर आ गए। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं शुरू से ही ना लेक्चर कभी भी पढ़ के नहीं देता, ये जबान ही देके आ जाता हूं। ये स्लाइड्स मैंने आप लोगों की वजह से बनाई हुई है, नहीं तो यहां बिल में आके पता लगा स्लाइड्स रहती है। मैंने बाकी फाउंडेशन और उर्दू में इस तरह स्लाइड से कभी नहीं पढ़ाया। अच्छा सर, आपसे मतलब आपके पास माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, लेकिन सर मेरा दिल था, क्लासेस तो बची नहीं है, लेकिन सर एक दिन ना आप जब फ्री टाइम मिलेगा तो आप ना हमें ये बिग बैंग थ्योरी का भी थोड़ा सा बताना। ये तो कॉमन सी बात है, चले ठीक है, बता दूंगा, ठीक हो गया। नहीं बाकी मैं बताऊं, ये बाकी मैं बताऊं, टीचिंग फील्ड में जब आप आते हैं ना, आपको कुछ चीजें पढ़नी भी पड़ती है, या पढ़ते हैं आप एक दफा ना, जब आपको समझ हो तो चीजें आपको खुद ब खुद ये क्लियर हो जाती है, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप अगर आप ऐसा काम करें आपको भी चीजें आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और सर इसके अलावा जब बंदा पढ़ाता है ना तो उसे और भी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। यही बात है, इसका फोकस बहुत होता है ना कि मैंने समझाना है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ अपने तक होता है। यस सर, क्योंकि टीचर जो होता है उसने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को फेस करना होता है, तो उसको यही बात है। तो हमें चीजें स्टार्ट में मुझे देखनी भी पड़ती थी, लेकिन ये है कि अब आइडिया होता था कि अगर इसे सवाल आगे जवाब ना आए तो बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है। हमें ये भी होता था कि कहेंगे यार टीचर तो ना, सर एक बात है, यहाँ तक नॉलेज सर इतने नॉलेज तक आपकी एक पूरी जर्नी रही होगी, बिकॉज ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट करना और फिर आपने मेहनत भी काफी की होगी जो भी करना चाहे कर सकता है। सर मैं एक बात बताऊं, मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती होगी, ये पब्लिक में नहीं बताई जाती, ऐसी बात बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ जी बोले सर, बता दूं सर, वो मैंने ना रात को मेरे ख्याल में गलती है, आपको किसी सर से कंप्लीट है ये सर सामने आके गलती का इतराफ करें, मैं बड़ी गलती कर दी सर। वो ना मैंने ना जब असाइनमेंट सबमिट किया ना तो उसमें जो रिवर्स वाला क्वेश्चन था ना उसकी जगह ना मैंने एम्प्टी फाइल भेज दी, मुझे पता ही नहीं चला। चलिए आप मुझे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी आप मुझे ईमेल कर दिए, ठीक है, और मेंशन कर दिएगा ये था ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। सर मैंने कहा अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, वो छोटा सा तो क्वेश्चन था, लेकिन मैं कर दूंगी अगर वो है तो, मतलब ऑप्शन है। नहीं मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज लाजमी दे दीजिएगा, साथ फाइल भेजिएगा ताकि याद रहे मुझे, ठीक है। चले अच्छा, क्योंकि यासिर और तल्ला नहीं आ रहे, ठीक है, अब जरा काम स्टार्ट करते क्योंकि टाइम ऊपर हो गया, आपको फ्री भी करना। अच्छा जो इम्पोर्टेंट बात थी, अब यहाँ से मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ एआई की, ठीक है। यहाँ हमने लास्ट टाइम जो एआई की चीज़ें कवर की थी उसमें हमने देखा था कि परसेप्ट्रॉन न्यूरॉन एक ही नाम होता है, ठीक है, और हमने ये कहा था कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वेटेड सम का होता है, एक पार्ट एक्टिवेशन फंक्शन का होता है। एक्टिवेशन फंक्शन थ्रेशोल्ड हो सकता है, सिग्मॉइड हो सकता है, अगर थ्रेशोल्ड है तो स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, अगर सिग्मॉइड है तो हमने कहा था स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी लाइन ड्रा होती है जो कि नॉन लीनियर हो, ठीक है। और उसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन भी जरा देखी थी कि हमने कहा था W1X1 प्लस W2X2 इक्वल टू जीरो या वन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ही बनती है। और वेटेड सम हमने कैलकुलेट थोड़ा सा ग्राफ सा किया भी था, ठीक है, और हमने कहा था एक परसेप्ट्रॉन एक लाइन ड्रा करती है, ठीक है। ये वो बातें जो हमने देखी। अब ये हमारे पास डाटा सेट है, अब हमने एग्जांपल करनी है, लेकिन एग्जांपल करने से पहले
मैं आपको दो फार्मूले समझाना चाहूंगा, वो समझ जाए तो फिर हमारे एग्जाम्पल खुद ब खुद आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन इस पर लिखना बड़ा अजाब होता है, ठीक है। शेयर है व्हाइट बोर्ड, ठीक है। दो फार्मूले आप समझ रहे हैं, एक तो ये है वेटेड सम वाला, डब्ल्यू वन एक्स वन होगा, ये आसानी के लिए, वैसे डब्ल्यू टू एक्स वन भी होता है, लेकिन जब वन वन है तो हम वन वन चीज एग्ज्यूम करते हैं, डब्ल्यू टू एक्स टू होगा, ठीक है। अगर दो इनपुट है, कॉलम अगर दो है तो ये दो लाइनें होंगी, अगर कॉलम तीन है तो एक्स तीन होंगे, ठीक है, डब्ल्यू थ्री एक्स थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आगे बात की, जितने इनपुट के कॉलम्स होंगे उतने ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू एक्स एक्स वन होगा, तो इसका मतलब एक कॉलम है, डब्ल्यू टू एक्स टू का मतलब दो कॉलम है, डब्ल्यू थ्री एक्स थ्री का मतलब तीन कॉलम है। ये आंसर ये जीरो आएगा या वन आएगा तो आपको पता लग गया, ठीक है, या वन आएगा या जीरो आएगा, एक तो ये फार्मूला है, ठीक है, जो ज्यादा यूज होने वाला है, हर सूरत ये यूज होता ही होता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट वो है कि अगर एरर आ जाए, अब मिसाल के तौर पे क्लासिफिकेशन ठीक भी होती है, क्लासिफिकेशन मिस भी हो जाती है, ठीक है, तो जब ठीक होगी तो कोई मसला नहीं है, ओके है। लेकिन जब मिस क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, तो मिस क्लासिफिकेशन ऐसे होगी कि हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। तो एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एरर आपका होगा ये दो फार्मूले, इनफैक्ट शॉर्ट शॉर्ट से, एरर बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कहाँ होगी, डाटा सेट के अंदर, जो आपका ओरिजिनल डाटा सेट की वर्षा हमारा विंडी प्ले वाला था, और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है सिस्टम प्रिडिक्ट करेगा, और इस केस में क्या है परसेप्ट्रॉन, ठीक है। जो डाटा सेट में वैल्यू होगी उसके बिहाफ पर वो वैल्यू माइनस जो हमने प्रिडिक्ट की वो माइनस करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो एरर कहलाएगा, अगर मिस क्लासिफिकेशन के केस में होगा। और इस फार्मूले से हमने वेट को अपडेट करना होता है, अगर ये फार्मूला आपने अप्लाई किया ना तो साथ आपको दूसरा फार्मूला भी लाजमी अप्लाई करना पड़ता है, वो होता है अगर वेट W1 है वो बराबर होगा वेट W1 के ही जो पुरानी वैल्यू होगी इसकी प्लस अल्फा इंटू एरर। एरर तो ये हमारे पास यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से एरर की वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ के पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो अल्फा होता है ये हमेशा फिक्स होता है, ये आपने जीरो से लेके वन के दरमियान आपने क्या करना होता है ऐड करना होता है, ठीक है। ये जो अल्फा होता है ये हमेशा जीरो और वन के दरमियान वैल्यू होगी, जीरो तो आपने करनी नहीं है, वन भी नहीं करनी, सबसे बेस्ट वैल्यू से लेके आती है पॉइंट फाइव, तो आप थ्रेशोल्ड की तरह इसे भी पॉइंट फाइव फिक्स कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स होगा पॉइंट फाइव, ये एरर के साथ मल्टीप्लाई होकर हाफ ही हो जाएगा एरर जो भी है, ठीक है। इसको फिर आपने ऐड कर देना था पुराने वेट के साथ, जो जिस आइट्रेशन पे आपका एरर आएगा ना उस पे W1 की वैल्यू क्या थी वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो इन तीनों को आपने क्या कर देना है, इस तरह सॉल्व करना है, अल्फा इंटू एरर मल्टीप्लाई होगा प्लस वेट आपने ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो W1 न्यू हो जाएगा, इसे W1 न्यू कहेंगे, इसे W1 ओल्ड कहेंगे। तो ये फार्मूला है, W1 के लिए भी है, W2 के लिए, जब W2 इधर होगा तो राइट साइड टू W2 होगा, ठीक है। ये तीन फार्मूले आपने माइंड में बिठाने हैं, ठीक है। पहला फार्मूला लगेगा ही लगेगा, क्यों, परसेप्ट्रॉन की ये बेसिक है सबसे ज्यादा। अगर तो क्लासिफिकेशन ठीक होती है, हम अगले एग्जांपल पे चले जाएंगे, अगर क्लासिफिकेशन गलत होती है तो हमने क्या करना होगा, पहले एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो जो एरर आएगा अल्फा हमारे पास फिक्स होगा 0.5 है, उसको जो पुराना वेट होगा इनको हमने ऐसे सॉल्व करके नया वेट अपडेट करने W हो जाएगा, फिर हमने वो एग्जांपल जिस पे मिस क्लासिफिकेशन ही हमने उससे अगली एग्जांपल लेके चलनी है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी है, अब आते हैं जरा वापस। अच्छा, ये मैंने वेब एप्लीकेशन ब्राउजर पे चीज इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ एग्जांपल अच्छे तरीके से और इजी सॉल्व हुई है, तो इसलिए मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, नहीं तो इसकी भी मैं स्लाइड बना देता, ठीक है। अब आपके पास डाटा सेट क्या है, आपके पास डाटा सेट है, आप ये पहचान सकते हैं ये क्या चीज है, डाटा सेट एंड गेट का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड गेट कैसे है, जीरो 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 है, जीरो वन, ये इनपुट वन है, ये इनपुट टू है, ये आउटपुट है, ठीक है। हम यहाँ टेबल में ना एक्स वन एक्स टू को एज एन इनपुट लिया करेंगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ये इनपुट हुआ करेंगी और वाई आउटपुट हुआ करेंगे, आपने याद रखना है। और ये हमारी क्या है, ये दोनों इनपुट है एक्स वन एक्स टू है, ठीक है, आई हो गया और ये हमारी आउटपुट है, ये हो गया, ठीक है।
इसका मतलब है आउटपुट गिवन है, अगर इनपुट ये पास करें, अब डेटा सेट को समझे, अगर इनपुट हम 0 0 पास करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हम 0 1 इनपुट न्यूरल नेटवर्क को देते हैं, परसेप्ट्रॉन को देते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। अगर हम 1 0 इनपुट देते हैं न्यूरल नेटवर्क को, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। और अगर 1 1 इनपुट देते हैं तो आंसर क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। हमें डेटा सेट बता रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखें न्यूरल नेटवर्क क्या प्रेडिक्शन करता है, क्या सारे केसेस में प्रेडिक्शन ठीक करेगा या गलत करेगा। अच्छा, आपकी जो है ना चीजें एंड कब होंगी, इटरेटिव अप्रोच है ये भी बेसियन लर्निंग की तरह, चीजें एंड कब होंगी, आपके पास ऐसे वेट्स आ जाने चाहिए। याद रखिएगा न्यूरल नेटवर्क में लर्निंग क्या होती है, वेट्स, ऐसे वेट आ जाए, वेट्स की वैल्यू आ जाए। अगर दो इनपुट है ना x1 x2, दो ही वेट होंगे w1 w2, तो ऐसी वेट्स की वैल्यू आ जानी चाहिए जिसपे पूरे के पूरे डाटा सेट की क्लासिफिकेशन ट्रू हो, सही क्लासिफाई करें, मिस क्लासिफाई ना करें, ठीक है, तब हमने रुकना, अदरवाइज ये आइट्रेशन चलती रहेगी, ठीक है। अब जरा इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राउंड वन है या आइट्रेशन वन है, आप जो मर्जी है नाम देने, ठीक है। अब आप ये चेक करें, हमारे पास इक्वेशन क्या थी पहली, W1 X1, डेटा सेट को देख के बना रहा हूं, W1 X1 है प्लस W2 X2 है, क्योंकि इनपुट दो है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी कुछ इस किस्म की बनेगी बस, ठीक है। अब X1 हमारे पास गिवन है, X1 मेरे पास क्या है, पहली एग्जांपल मेरे पास की है, X1 क्या है उसके लिए बता सकते हैं, 0 0 0, और X2 क्या है, 0 0 है, ठीक है। इसका मतलब X1 भी 0 हो गया और X2 भी 0 हो गया। W कहां से आएंगे, तो नीचे गिवन है, ये हमेशा गिवन नहीं होते, गिवन नहीं होते, आपने रेंडमली वेट को चूज कर रहे थे 0 और 1 के दरमियान, ये भी लर्निंग रेट भी, हाँ गिवन नहीं होते, हमने रेंडमली चूज करने होते। तो सर ये इससे तो सबका डिफरेंट आएगा ना, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब हर एक अपनी मर्जी से चूज करेगा, नहीं हर किसी का डिफरेंट आंसर आएगा, यही बात है। हाँ अगर गिवन हो तो इसका मतलब मैंने रेंडमली चूज करके गिवन किया है ना, फिर इसके इसमें सबके आंसर सेम आ सकते हैं। आपने जरा होशियारी वाली बात कर दी, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि वेट रेंडमली ही लिए जाते हैं, ठीक है, वेट हमेशा रेंडमली ले जाएंगे। अगर आपके पास गिवन भी हो ना तो इसका मतलब वो रेंडमली ही गिवन किया, कोई रूल नहीं है, रूल ये है कि रेंडमली उठाने, 0 और 1 के दरमियान दरमियान, 0 और 1 नहीं लेने, 0 और 1 के दरमियान दरमियान लेने, ये सबसे बेटर अप्रोच होती है। अब यहाँ से क्या लिए, जी बोले सर, आप इसको कंप्लीट करवा देंगे फिर सर, साथ मेरा भी दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको मतलब ना एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट की सूरत में देते हैं, तो यहाँ पे तो जैसे हमें गिवन है ना कौन सा एक्स है कौन सा डब्ल्यू, जैसे हमने चूज करना है, लेकिन इनपुट गिवन होती है, इनपुट आउटपुट डेटा सेट गिवन होता है, ठीक है, बाकी आप एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं दूसरी तरह स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो वहां से हमें कैसे पता चलेगा एक्स की वैल्यू कौन सी और डब्ल्यू की कौन सी, अगर आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में आपने चीजें दी हुई है। नहीं नहीं, स्टेटमेंट की डेटा सेट हमेशा डेटा की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म ही होगा हमेशा, इस केस में स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए W1 इससे जी जी बोले सर, इसका डेटा सेट हमेशा एंड गेट प्रॉब्लम की तरह ही होगा या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा 0 1 की फॉर्म में, ओके बाइनरी ऑर्डर न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, ठीक। अच्छा अब क्या होगा आपका, अब देखिए W1 इसे क्या किया है हमने, लेट्स सपोज दोनों आसानी के लिए दोनों सेम ले लें, होशियारी क्या है, दो वेट है ना, दो इनपुट है, चलो वेट दो बनेंगे W1 W2, अब आप क्या करें दोनों वेट को सेम ही वैल्यू दे दें ताकि कैलकुलेशन में आपकी आसानी रहे, तो इसने W1 W2 को दोनों को 0.9 अज्यूम कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा 0.9 × 0, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0.9 × 0, तो आंसर क्या बनेगा, 0 आना चाहिए, 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होता है, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 0 प्लस 0 0। अब देखिए इनपुट हमने क्या दी थी, 0 0, ठीक है, परसेप्ट्रॉन को, ठीक है, जब आपने इसे कैलकुलेट किया, ठीक है, अब थ्रेशोल्ड मेरी 0.5 पे लगी हुई है, याद रखिए थ्रेशोल्ड 0.5 पे लगी हुई है, तो 0 प्लस 0 क्या है आंसर मेरा, 0 ही आ गया ना, ठीक है, तो वैल्यू जो परसेप्ट्रॉन ने मुझे निकाल के बताई वो 0 आ गया है, तो 0 लेस देन 5 है ना, 0.5,
तो इसका मतलब आंसर में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, फिर जीरो आएगी। ये जीरो मेरे पास वेटेड सम आया, ठीक है, ये वेटेड सम है। वेटेड सम को आप मेरे थ्रेशोल्ड से निकाल लें, वो 0.5 से बड़ी है छोटी है, तो 0.5 से डेफिनेटली छोटी है जीरो। तो इसका मतलब है हमें आउटपुट में क्या आंसर मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इनपुट जीरो जीरो थी और आउटपुट क्या आई, जीरो। तो इसका मतलब ये एग्जांपल करेक्टली क्लासिफाई हो गई है। समझ आ गई बात की? यस सर। और सर ये जो हम वेट ले रहे हैं 0.9, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है और जीरो और वन के दरमियान होना चाहिए, जीरो और वन के दरमियान होना चाहिए। ओके सर, वन इंक्लूडेड है? नहीं, एक्सक्लूडेड, जीरो और वन दोनों एक्सक्लूड कर रहे हैं आपने, ठीक है। सर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू की मुझे नहीं समझ आई, आपने कहां से लिए? थ्रेशोल्ड भी जीरो और वन के दरमियान होती है, लर्निंग रेट भी जीरो वन के दरमियान होता है। लर्निंग रेट और थ्रेशोल्ड हम 0.5 ही सेट करते हैं, ठीक है। देखिए 0.5 से इधर भी उतनी ही वैल्यूज है जितनी 0.5 से उधर वैल्यूज है, 0.5 से जीरो से लेके उतने ही नंबर है जितने 0.5 से वन के दरमियान, ठीक है। तो जो है ना 0.5 वो हक और सदाकत की निशानी है, ठीक है, जीरो का बिल्कुल एग्जैक्ट मिड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पहली एग्जांपल जो करेक्टली क्लासिफाई होगी 0.9 पे, ओके। अब आपने मूव कर दिया सेकंड एग्जांपल पे, ये देखिए वही कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट टाइम क्या किया है, ये देखिए एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड से 0.5 था, ठीक है, और 0.5 ही लेते हैं। अब इसने क्या किया, 0.1 ले लिया, सेकंड इंस्टेंस 0.1 है हमारे पास डेटा सेट में। अब 0.1 है तो आंसर 0 ही आना चाहिए, 0.1 ले लिया तो आंसर 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसने 0.1 ले लिया, ठीक है। अब आप चेक करें W1 X1 या X1 W1 का लें, X2 W2। अब इसको देखें, X1 क्या है, 0 है, W वही है 0.9 जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और X2 क्या हो गया, वो 1 हो गया, W2 वेट वही है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 0 × 0.9 0 हो जाएगा, प्लस 1 × 0.9 तो 0.9 आ जाएगा। तो वेटेड सम आपका क्या आया, 0.9 आया, ठीक है। क्या ये वैल्यू 0.5 से बड़ी, अब थ्रेशोल्ड से चेक गुजारना है हमने, क्या ये 0.5 से वैल्यू बड़ी नहीं है? यस सर, बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप वहां डेटा सेट में जो आउटपुट है वो देखे क्या आ रही है, ये एक्चुअल आउटपुट है, 0 है। इसने क्या प्रेडिक्ट किया, 1, मिसक्लासिफाई होगी ना एग्जांपल, देखिए इसने 1 प्रेडिक्ट किया। ये इस एग्जांपल पे हमारी क्या हो गई है, मिसक्लासिफिकेशन हो गई है 0 और 1 पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये एक्चुअल आउटपुट ये है, ठीक है, ये एक्चुअल आउटपुट कहलाती है, ये प्रेडिक्टेड आउटपुट कहलाती है, यानी A-P। अब आपने क्या करना है, पहले एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप एरर कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली एरर आपके पास क्या आ जाएगा, -0.9 क्यों, आउटपुट एक्चुअल आउटपुट 0 है, दूसरे एग्जांपल पे एरर आया ना, 0.1 पे एरर आया ना हमें, देखिए सेकंड इटरेशन 0.1 पे हमें एरर आया है। तो 0.1 पे एक्चुअल आउटपुट क्या है, 0, यही एक्चुअल आउटपुट है, और जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया वो 1 है, वो ये मैंने सर्कल लगाई है लेड में, ठीक है, ये एक्चुअल वाली है, ये वाली, ठीक है, डेटा सेट की एक्चुअल होती है, मशीन की प्रेडिक्टेड होती है या क्लासिफाइड होती है, ठीक है। 0 - 1 होगा, 1 - 0 नहीं होगा, एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड निकालते हैं, तो एक्चुअल 0 है, प्रेडिक्टेड 1 है, 0 - 1 क्या गया, -1, तो एरर आपका क्या आ गया, -1। तो एरर मैंने कैलकुलेट कर लिया, एरर कैसा है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, तो एक्चुअल डेटा सेट के अंदर मौजूद होती है उसी एग्जाम्पल के भी आप, तो वो 0 थी, प्रेडिक्टेड हमने क्या की, 1 की, माइनस के साथ, तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, एरर, एरर अपडेट हो गया, एरर को मैंने बता दिया कि इतना एरर है। अब एरर को मैंने एरर की वजह से वेट को अपडेट करना है, वो जो दूसरा फार्मूला था वो क्या था, W1 की वैल्यू क्या थी जिस पे एरर आया, 0 थी सर, वेट की वैल्यू, वेट की वैल्यू 0.9, वेट की वैल्यू 0.9 थी, इनपुट की वैल्यू 0 थी, एक्स की, तो वेट की 0.9 है, प्लस का देना है, लर्निंग रेट हमने क्या कहा था 0.5 है, और एरर कितना आ रहा है, -1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 - 5 बन जाएगा, तो ये 0.4 आंसर बन जाएगा इसका। इसका मतलब वेट जो अपडेट होके अब क्या हो जाना, 0.9 से अपडेट होके क्या हो गया, वेट 0.4 हो गया।
सेम डब्ल्यू टू की कैलकुलेशन ये करनी चाहिए या ये वही होगी, बताएं आप। सर सेम होगी ना, डब्ल्यू टू भी तो वो भी हमने पॉइंट रेंज ज्यूम किया हुआ था तो सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब डब्ल्यू टू की वैल्यू भी क्या होगी, 0.4 होगी। इसका मतलब ये वेट अपडेट हो गए, ठीक है, डब्ल्यू वन भी 0.4 है, डब्ल्यू टू भी 0.4 है। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब जो नए वेट्स, अब नए वेट्स हमारे कैलकुलेटेड हो के आया करेंगे। अब नए वेट क्या हो गया, डब्ल्यू वन हमारे पास क्या हो गया, 0.4 है, बराबर है डब्ल्यू टू के, दोनों के वेट अपडेट होके क्या बन गए, 0.4। अब पॉइंट रैंक नहीं कैलकुलेट करने, अपने 0.4 के बेस पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सर सर ये हमें तो पता चल गया कि एरर ऐसे आ रहा है कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। सर हम मशीन को हमने क्या उसको भी अंडरस्टैंड करवाया होगा कि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो फिर उसने आगे ये आना है, मशीन के अंदर कोडिंग इसी की होगी, ठीक है। मशीन के अंदर कोडिंग इसी को की होगी, ये जो आपने लिखा हुआ ना लाइन लाइन आप कह के अगर लाइन बेस क्लासिफाई कर रहा है तो एरर को यू अपडेट करे, वो सारी चीजें मौजूद है एल्गोरिथम में, ठीक है। क्योंकि यहां पर उसको आंसर मैच करना पड़ेगा ना, फिर वो आंसर मैच करेगा और अगर नहीं मैच होगा तो फिर वो एरर की तरफ जाएगा, बिल्कुल ठीक होगी बात। अब हम किस एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जांपल 3, हां उससे नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेकंड एग्जांपल में मिस क्लासिफिकेशन हो गई है और सेकंड की बेस पे हमने वेट अपडेट कर लिया, इसका मतलब हमने सेकंड एग्जांपल कैलकुलेट कर लिया है, सेकंड एग्जांपल की ही बेस पे तो वेट अपडेट हुआ है, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट वाला एग्जांपल स्टार्ट कर जो कि 10 है, हमें यहां ठीक करना है एरर की बेसिस पे, फिर आंसर को ठीक करना है, हर हाल में करना है, ठीक ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, अब आपने थर्ड इनपुट किया 10 है, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको मिटा देता हूं, मैं कैलकुलेशन सारी मिटा देता हूं, ठीक है। और सर जहां पे मिस क्लासिफिकेशन नहीं होगी उसको वहीं पे छोड़ देंगे, फिर उसे आगे नहीं लेके चलेंगे। हाँ लेकिन सारे एग्जांपल उस वेट पे, एक स्पेसिफिक ऐसा वेट होगा जिसपे मैक्सिमम या सारे एग्जांपल क्या हो रही है ट्रूली क्लासिफाइड हो रही होगी, हमें वो वेट का नंबर चाहिए, वेट का नंबर वो चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, अब देखिए अब हमने इनपुट क्या पास कर दिया है, ये देखिए वो कैलकुलेशन होके 0.4 आ गई। अब हमने तीसरी इटरेशन के लिए 10 पास किया, 10 पे आंसर क्या आ रहा था, एक्चुअल का 0 आ रहा है। अब देखिए इस पे हम वैल्यूज डाल देते हैं, x1 w1 में वैल्यू डाल दी, तो x1 की वैल्यू क्या है, 10 हमने पास किया ना, x1 1 है और w1 0.4 आ गया जो नया है, ठीक है, प्लस ठीक है x2 0 है और w2 0.4 है, तो इसका आंसर क्या रहा है, 0.4 ही आएगा। तो क्या 0.4 जो है वो थ्रेशोल्ड से बड़ा है या छोटा है, लेस ही है 0.5 से, थ्रेशोल्ड से कम ही है, तो आंसर क्या आएगा आउटपुट पे, 0 ऊपर जाके डेटा सेट के साथ मैच करें, 0 ही आना चाहिए। इसका मतलब ये एग्जांपल 0.4 ने ये एग्जांपल करेक्टली क्लासिफाई कर दिया, ठीक होगी बात। अब हमने कौन सा एग्जांपल लेके आनी है, चौथी 1-1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1-1 लेके आए, चौथा इंस्टेंस है, तो 1 × 2.4 प्लस 1 × 2.4 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। तो 0.8 0.5 से बड़ी है छोटी है, समझ आ गई एग्जांपल कैसे हुई है, क्योंकि वेट हमारे दोनों 0.4 है और एग्जांपल 1-1 है, तो 0.8 आया, 0.8 ग्रेटर है, ठीक है, 0.5 से, तो आंसर क्या आना चाहिए आउटपुट पे, ठीक है, 1 आना चाहिए। तो वन आना चाहिए, डाटा सेट में जाके मैच करें, आंसर 1 ही है, तो 0.4 इसके लिए भी मैच कर गया है। अब क्या बताएं, हमें राउंड 2 पे जाना चाहिए, इटरेशन 2 पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नो सर जाना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि 0.9 से सिर्फ ये करेक्टली क्लासिफाई हुई थी, इस पे एरर आ गया था जिस पे हमने वेट अपडेट किए, तो 0.4 पे ये चीज भी क्लासिफाई हो गई है, 0.4 पे ये चीज भी क्लासिफाई हो गई है। अब 0.4 पे मैंने ये चेक करनी है और ये चेक करनी है, अगर ये दोनों भी क्लासिफाई होगी तो मैं यहां रुक जाऊंगा, अगर फिर भी अगेन किसी में मिस्टेक आ गई उसकी बेस पे वेट अपडेट होगा,
फिर मुझे दोबारा चार एग्जाम्पल चेक करनी है जो नया बेटा है उसके बेस पे क्या सारी क्लासिफाई हो रही है या नहीं हो रही है, हमें चेक करना पड़ेगा या इटरेटिव अप्रोच है चलती रहेगी ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड राउंड शुरू होगा और पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ठीक है। जी बोले सर, ये जो 0.4 रिजर्व हुआ है ये राउंड टू में ठीक है, ये मतलब किस बेस पे हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये थर्ड मिसक्लासिफिकेशन हुई थी ना, एग्जांपल टू में मिसक्लासिफिकेशन ही हुई थी हमारी, ये देखिए हां फर्स्ट मिसक्लासिफिकेशन होगी वो उसको हम रिजर्व कर लेंगे फिर। हाँ, जो नया वेट आएगा पुराना वेट खत्म हो जाता है, जब नया वेट आ जाए पुराना वेट आपका खत्म हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं रहता फिर नए वेट पे आपने सारे चेक करने होते हैं। अगर नया वेट आता तो फिर हम फोर्थ में वो डालेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 0.4 यहाँ अपडेट हुआ था ना, अपडेट हो गया 0.4 हो गया था, 0.4 पे ये भी करेक्टली क्लासिफाई हो गया, ये भी करेक्टली क्लासिफाई हो गया ठीक है। अब सेकंड इटरेशन में चला जाना है क्योंकि एक दफा हम इटरेट कर चुके हैं, अब दूसरी दफा डाटा सेट में आ जाए वापस ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा यहाँ क्या होगा, दोबारा 0-0 आ जाएगा, राउंड टू पे आ जाते हैं या इटरेशन टू कह लें जो भी है, इसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं ठीक है। आप जो वेट है आप ये याद रखिए, जो वेट अपडेट हो जाए तो वेट वही रहते हैं ठीक है। अच्छा अब जरा आते हैं राउंड टू पे, पहले एग्जांपल 0-0 से स्टार्ट होगी ठीक है, 0-0 से स्टार्ट होगी ना, 0-0 पे आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब उसी एग्जांपल में वही इक्वेशन ऑफ लाइन में पहले इनपुट भी 0 है, x1 भी 0 है, भी 0 है, वेट दोनों 0.4 है, तो 0.4 प्लस 0.4 W1X1 प्लस W2X2 को फॉलो करें तो आंसर 0 आएगा, इसे गलत किया हुआ ठीक है, ये इसका आंसर 0 आएगा, इसे कैलकुलेशन गलत की हुई है, इसे 0.4 लिखा हुआ है, 0.4 प्लस 0.4 0 के साथ मल्टीप्लाई तो वो 0 हो जाता है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, तो नेट वेटेड सम क्या आ गया 0 आ गया, कि ये थ्रेशोल्ड से कम है ना, 0.5 से कम है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आउटपुट पे 0 ठीक है। इसका मतलब है वो तीसरी एग्जांपल भी करेक्टली क्लासिफाई होगी है, देखिए यहाँ भी 0 आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है, ये जो प्रेडिक्टेड आई है वो हमारी दोनों 0-0 आ गई, इसका मतलब ये चीज भी हमारी क्या होगी है करेक्टली क्लासिफाई होगी है। अब आ गई दूसरी ये वाली एग्जांपल 0-1-0 0-1 पे आंसर 0 आना चाहिए, देखिए 0 और 1 है ठीक है सेकंड इंस्टेंस पे। अब हम चेक करें यहाँ x1 क्या है 0 है, 0 है, W1 क्या है 0.4 है, 0.4 है, प्लस X2 क्या है 1 है, क्योंकि 0-1 है ना, यानी X0 और X2 1 है ठीक है, X2 क्या है 1 है, इसका आंसर क्या आएगा 0-2.4 0 हो जाएगा, 1-2.4 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 वैल्यू छोटी है या बड़ी है, 0.5 से छोटी है, 0.5 से, इसका मतलब आउटपुट पे क्या वैल्यू देगा 0 देगा, उसका डेटा सेट का भी आंसर क्या आ रहा है सेकंड इंस्टेंस के लिए 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप चेक करें 0.54 का, हमने इसमें भी ऑलरेडी पहले दो पे चेक कर लिया था, इन दो पे भी ये करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है, इसका मतलब 0.4 पे हमने चार एग्जांपल चेक कर लिए करेक्टली क्लासिफाई हो रही है, समझ आया पॉइंट, समझ आया 0.4 पे जब यहां वेट अपडेट हुआ था तो हमने एक एग्जांपल को चेक किया था ये करेक्टली क्लासिफाई हो गई थी पहले राउंड में तीसरे नंबर पे, ये भी करेक्टली क्लासिफाई हो गई, फिर हम राउंड 2 पे आए, राउंड 2 पे हमने यहां से स्टार्ट किया, ये भी करेक्टली क्लासिफाई हो गई है, ये भी करेक्टली क्लासिफाई हो गया, बाकी दो तो पहले से करेक्टली क्लासिफाई है, इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या बना, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास ये थी W1X1 प्लस W2X2 ठीक है, क्योंकि दो इनपुट वेरिएबल है तो दो तो बनेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर सेट आपका क्या बन रहा है W1 = 0.4 और W2 भी आपका आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर होते हैं W1 W2 आपके पास ये आंसर होते हैं ठीक है, ये भी क्या आएगा 0.4 ये आंसर आपके ये वाले, x आंसर क्यों नहीं है क्योंकि x गिवन है देखिए x1 सारे गिवन है, x2 सारे गिवन है, ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो इसकी बेस पे और आउटपुट भी गिवन है, ये देखिए आउटपुट गिवन है ठीक है। हमने क्या करना होता है, वेट की वो वैल्यूज निकालनी होती हैं, वो वैल्यूज जिसकी बेस पे तमाम के तमाम डेटा सेट का आंसर क्या आए किसी एक स्पेसिफिक वेट पे ही जाएगा, चाहे जो मर्जी वेट ले रहे हैं, रिजल्ट तो यही सामने आ रहा है, यही बात
लेकिन एक बात और याद रखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है. लेट्स सपोज इस केस में भी तीन एग्जांपल क्लासिफाई होती, फिर वेट अपडेट होता, फिर अगेन नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाता, फिर वेट अपडेट होता, फिर कोई एक गलत क्लासिफाई होती, फिर दोबारा होता, फिर एक गलत क्लासिफाई होती. जब आप दो तीन आइटरेशन, लेट्स सपोज हमने 5-6 आइटरेशन किए हैं, हर आइटरेशन के बाद हमें पता लग रहा है एक एग्जांपल गलत क्लासिफाई होती आ रही है, पूरा डेटा सेट क्लासिफाई नहीं हो रहा, एक एग्जांपल ऐसी है या दो, पूरे डेटा सेट क्लासिफाई नहीं हो रही, वेट जो मर्जी कर ले, तब भी आपने रुक जाना होता है. और सर ये कंडीशन ज्यादा अगर डेटा सेट थोड़ा लेंथी हो तो तब आती होगी. वेट सर जो लास्ट अपडेटेड है वही दिखा देखे, इस पे जो है मैक्सिमम एग्जांपल जो है करेक्टली क्लासिफाई हो रही है, वेट हमारे ही आ रहे हैं. मिसाल के तौर पे अभी W4 पे चारों क्लासिफाई होगी है, मैं कहता हूँ हर दफा इटरेशन करते पहली दफा एक क्लासिफाई होती, फिर वेट अपडेट करते फिर तीन क्लासिफाई होती, फिर वेट अपडेट करते फिर दो क्लासिफाई होती. अब तीन इटरेशन के बाद मैं देख रहा हूँ कि डाटा सेट हो नहीं रहा करेक्टली क्लासिफाई, फिर आप क्या कहेंगे, वो वेट बताएंगे जिनकी बेस पे ये आंसर आया था, जिसकी वेट पे ज्यादा क्लासिफिकेशन करेक्ट हुई थी, आप वो वेट बता देंगे कि वो वेट ये थे, इस वेट पे तीन एग्जांपल क्लासिफाई थी. ठीक है, यूं भी होता है. समझ आई बात की? सर अगर हमारे पास डेटा सेट लार्ज हो तो मैक्सिमम हमने कितने चेक करने होते हैं? सारे चेक करने होते हैं? तीन या चार इटरेशन में आपको पता लग जाएगा. पहले इटरेशन करेगा माइट बी पॉसिबल 3-4 एग्जांपल करेक्टली क्लासिफाई हो, अगली इटरेशन में आएगी माइट बी पॉसिबल 6-7 हो जाए, फिर अगली में आ जाए आपने देखा दोबारा 5 हो गई है, तो आप कह रहे हो जिस वेट पे आंसर 7 आया था आपके, ये वेट सबसे बेस्ट है. आप ये बता दें दो तीन इटरेशन का, क्या आप ये बता दें? सर एक बात. जी सर, अब ये जो हमें डाटा सेट गिवन होगा, क्या ये हमें 2 की पावर से गिवन होगा? जैसे ये 2 की पावर 2 4 है तो ये हमें 4 वैल्यूज हैं, तो क्या 2 की पावर 3 में होगा तो 8? बिल्कुल, 8 हमारे पास 3 पे. Yes, हम जब खुद कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा ही होता है, लेकिन मशीन को आप किसी भी साइज का दे सकते हैं. Yes, sir. But हमें सर आप कितने साइज का देंगे? हमें 3 तक ही दें तो वो भी इतना, सर 3 तक ही दें ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए, क्योंकि देखिए आपको आइडिया होता जा रहा है ना कि अगर चीजें बड़ी होती जाएं तो इंसान के बस में नहीं रहती. Yes, वो फिर मशीन के बस में. यही वजह है कि मशीन लर्निंग जो है, यही वजह है कि मशीन लर्निंग ह्यूमन की जगह वो आइए ताकि वो कंप्यूटेशन कर सके. अब आपको बस एक बात बताऊं, ये मैट्रिक्स की चीजें पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स से किस जगह पे इक्वेशन का आंसर 0 और 1 आता है, ये वही हम पढ़ रहे हैं. न्यूरल नेटवर्क असल में यही चीज है. ठीक है, ये मैथ हम पढ़ रहे हैं. सर क्लास एंड होने वाली है, दोबारा रीजॉइन करना है? हाँ जी तला, आप मौजूद हो? सर वैसे ज्वाइनिंग हो रही है तो मौजूद तो होना चाहिए, शायद कोई और ज्वाइनिंग कर देता हो उनकी जगह, ये भी हो सकता है. ज्वाइन तो करना पड़ता है. सर कोई रिपोर्ट ना बिठाया हो उन्होंने. हाँ ये हो सकता है बिल्कुल. अच्छा तो आपको ये सारा समझ आ गया जो मैंने प्रोसीजर समझाया? यस सर, यस सर समझ आ गया. तो इस तरह ना, तो आप ना क्या करते हैं, आप ना अगर पहली इटरेशन में करेक्टली सारे क्लासिफाई नहीं हो रहे तो आप दूसरी इटरेशन पे चले जाएं. ठीक है, दूसरी इटरेशन पे भी नहीं हो रहे, तीसरी पे चले जाएं, तीसरी के बाद भी आपको लगता है कि क्लासिफाई होने का नाम ही ले रहा, फिर ऐसे वेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल पहली इटरेशन में 1 एग्जाम्पल करेक्टली क्लासिफाई हुई थी, ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल पे आपके फॉर एग्जाम्पल 6 क्लासिफाई हुई थी, तीसरे में जो दोबारा वेट अपडेट के फॉर एग्जाम्पल वो
दोबारा तीन पे चले गए, तो ऐसे केस में आप बता दें कि डब्ल्यू जो आपका दोबारा दूसरी बार मेरे ख्याल से वो ज्यादा ऑप्टिमाइज ज्यादा बेहतर है, या यू भी होता है पहली दफा आप करेक्टली क्लासीफाई एक था, अगली दफा चार हो गए, अगली दफा सात हो गए, तो आप यहाँ तीन इटरेशन की बात करते हैं, ये सात वाले वेट्स हैं, ये जिससे सात दफा क्लासीफाई है, दस पे से ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो जिस दो तीन इटरेशन में जिस वेट पे ज्यादा एग्जाम्पल क्लासीफाई होंगी या सारी होंगी, आप वो वेट्स आपने आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क लर्निंग में क्या चीज सीखता है, रिजल्ट बता सकते हैं आप कि वेट का आंसर क्या आता है। तो न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग किस बात पर होती है, वेट कैसे अपडेट करने, ठीक है। ये न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग कहलाती है, किसकी बेस पे होती है, वेट्स की बेस पे होती है। तो अब आपने यही करना है कि जब दो तीन इटरेशन करेंगे ना आप इसी एग्जांपल को कोई और वैल्यूज देखे, 0.9 के अलावा स्टार्ट देखे कोई और वैल्यू, 0.9 और 0.4 ने कोई और नई वैल्यू देखे, उसे स्टार्ट कर लें, ठीक है। फिर देखें कितनी इटरेशन है, तो आप तीन इटरेशन तक जाएं, पहली इटरेशन में आपको पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट है, कौन कौन से एरर अपडेट हो रहे हैं, फिर दूसरी कर लें, ठीक है, फिर तीसरी कर लें, फिर तीन इटरेशन पे जिन वेट्स पे सबसे ज्यादा क्लासीफाई हुई थी एग्जाम्पल, या जिन वेट पे सारी की सारी क्लासीफाई होगी थी, वो आपने आंसर में बता देने, ठीक है। तो यहाँ एआई का भी हमारा ऑलमोस्ट कोर सारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं वीका जो है वो आपको थोड़ा सा सिखाना है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम वीका थोड़ा सा देखेंगे, वो बिल्ट इन टूल है, वो यूज कैसे किया जाएगा हम ये सब देखना है, ठीक है। और वीपी का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई वो देख लेते हैं, ठीक है। वीपी में सिर्फ आप हमने यही देखना है, क्योंकि वीपी में ऐसे और पढ़ने को और बातें भी हैं, ठीक है। दो क्लासेस में आपने करवाए थे, बस दो ही करवाए थे ना? हाँ जी, बाकी इंशाल्लाह जो एफआईपी में है ना प्रोजेक्ट में बाकी चीजें मैं वहां कवर करा दूंगा, ठीक है। यस, क्योंकि सर मेरा तो पहले वो काम ही नहीं कर रहा था वेब वाला, तो फिर मैंने दोबारा इंस्टॉल किया, मतलब सेट हो गया, अब सारे उसमें हैं। सर वो बता देना आप, तो हमने असाइनमेंट सबमिट भी कर दी है, वो क्या कहते हैं एआई का सेकंड। जी जी पूछे सर, उसमें क्या आता था ट्री की? तो मैंने कैलकुलेशन नहीं की, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नहीं नहीं वो ट्री का सर नहीं, वो नीचे जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज वाला था, वो सुपरवाइज आता था और रिग्रेशन प्रॉब्लम आता था। सर ये डिपेंड अपॉन, लेकिन डिपेंड अपॉन रीजंस सर, ये सुनिएगा, रिग्रेशन मतलब डेसिमल बेस वैल्यूज, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने याद सदिया, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे था तो सुपरवाइज थी, क्यों सर सुपरवाइज तो की है लेकिन क्लासिफिकेशन मैंने लिखा है, ठीक है। वो मैं कुछ का मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये मैंने आंसर चेक कैसे करना है, ठीक है। मैं भी एआई को यूज करके आंसर चेक करूंगा ना, ठीक हो गया, बल्कि एनआई नेचुरल इंटेलिजेंस। अच्छा वो ये है कि पहली चीज सारी चीजें गिवन थी वो क्लासिफिकेशन में, वो सॉरी सुपरविजन की थी, ठीक है, क्योंकि डाटा सेट गिवन था, हमने ये भी बताया था कि खरीदना है या नहीं खरीदना, तो इसका आउटपुट क्या थी, ये चीज आपकी वही थी जो आपने बतानी थी। बाकी अगर किसी ने क्लासिफिकेशन का और रीजन ये दी है कि जो हाउस खरीदने के लिए लेबल्स वगैरह की रीजन दे के बस लिख, फिर आपका आंसर फिर जो आप ठीक है, ठीक है। अगर आपने ये रीजन दी है कि कैटेगरिकल, तो खैर पैसे कैटेगरिकल में नहीं आते, वो न्यूमेरिक में आ जाते हैं, समझ लिया, डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर कोई घर खरीदा 32 लाख, मैंने बताया था सर, वो मैंने बताया था कि इसमें डिस्क्रीट कौन से हैं और जो वो दूसरे थे लेबल्स वो कौन से हैं, पहले वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो मेन बात थी वो यही थी, एक तो सुपरवाइज है क्योंकि मैंने कहा था घर खरीदना या नहीं खरीदना, ठीक है, तो ये सुपरवाइज में आ गया, ये आंसर गिवन था। दूसरा जो था वो रीजन पे था, वो रीजन ये थी कि अगर किसी ने कहा ना कि अगर घर फॉर एग्जांपल 32 लाख का है तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही लोन, ठीक है, ठीक है। तो लोन जो नॉन डेसिमल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि फॉर एग्जांपल 10,000 है, ठीक है, एसेंशियली अगर लोन की बात करते हैं घर की मंथली बेस पे बात कर लेते हैं, अगर 10,000 है, अब 10,000 डिस्क्रीट वैल्यू है तो ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। यस सर, तो ये कहता है कि अगर कोई कहता है फॉर एग्जांपल डॉलर की सुरे बात करता है 1500.50 डॉलर्स, ठीक है, और ये डेफिनेटली रिग्रेशन का प्रॉब्लम है फिर। अच्छा सर, वो मैंने ना जो वैल्यूज गिवन थी ना उनकी बेसिस पे कहा था कि ये डिस्क्रीट है तो इसलिए ये, मतलब
नहीं होगा, आपने रीजन डेसिमल क्लास से लिया तो डेसिमल कांसेप्ट को मान जाएगा, अगर आपने रीजन डिस्क्रीट क्लास से लिया तो डिस्क्रीट को ठीक आंसर माना जाएगा। गॉड सर, इसकी बड़ी टेंशन थी मुझे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट मैंने जानबूझ के छोड़ा था, मैंने कहा था कि सारे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो उसमें रीजन सारे क्या थे। ठीक है अच्छा सर, एक और चीज भी सर, वो तो थ्योरी की भी कॉपी पेस्टिंग हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो दूसरी मैंने चीज पूछनी थी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें आपने एंट्रोपी कह के मुझे बहुत कंफ्यूज किया है। वो एंट्रोपी मतलब, एंट्रोपी तो हम लोगों ने क्लास एंट्रोपी भी पढ़ी है, एट्रीब्यूट एंट्रोपी भी पढ़ी है, तो ये कौन सी एंट्रोपी की आप बात कर रहे थे? जिससे बेस पे इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। मैंने इंफॉर्मेशन गेन निकाला था सर, मैंने आईजी किया था गेन, वो आईजी फाइंड किया था, लेकिन सर आपने एंट्रोपी ऊपर लिखा हुआ था, तो अब मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो एंट्रोपी का था, मैंने इंफॉर्मेशन गेन तो नहीं कहा था। तो सर एंट्रोपी कौन सी फाइंड करनी थी? एट्रीब्यूट की, यानी फर्स्ट आइटरेशन हो रही है। देखिए सर, क्लास की भी करनी थी साथ या एट्रीब्यूट की? क्लास की नहीं करनी थी ना, क्लास की अगर करें तो फिर इंफॉर्मेशन गेन बन जाती है। क्लास पे से अगर इंडिविजुअल एंट्रोपी माइनस करें किसी इनपुट की, तो इंफॉर्मेशन गेन बन जाती है। तो मैंने इंफॉर्मेशन गेन इसलिए मैंने एंट्रोपी का लव यूज किया था, मैंने इंफॉर्मेशन गेन का लव यूज नहीं किया। ठीक है सर, मैं सारे का सारा करती है सर, मैंने तो इंफॉर्मेशन। अच्छी बात है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा सर, एक मिनट मैं स्क्रीन शो करवाऊं आपको, दिखाऊं पता नहीं विजुअल स्टूडियो को क्या हो गया सर, जो मैंने जितना काम पहले किया हुआ है वो सारा ओपन ही नहीं हो रहा और सिर्फ मुझे प्रॉपर्टीज दिखा रहे सर। उतने में मैं आपसे प्रॉब्लम, मेरा भी सर यही हुआ है, ADO.net का जो असाइनमेंट किया उसमें मेरा फॉर्म ही गुम हो गया। अभी वो मैं जो सर डिजाइन वाला नहीं था जहाँ पे बटन वगैरह बंदा क्लिक करता है, वही गुम हो गया, कोड तो उधर ही पड़ा हुआ है सर, वो पता नहीं कहाँ गया। मैं दिखाऊं आपको, पता नहीं अकाउंट किधर दिखा दिया, मैं शेयर कर दिया सर। सर मेरा सुन लें, क्योंकि मेरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने सर मैंने जब इसको रीड आउट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अनसुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें हमारे पास आउटपुट गिवन नहीं है। बिकॉज देखिए सर, अगर हमारे पास होता कि वो हमें मिलना है या नहीं मिलना, तो सर उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यस और नो हमारे पास होना चाहिए था ना, कि लोन की ठीक है आपने हमें दे दी कि इतना इतना लोन है, तो सर वहां तो कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए था जिससे होता कि यस और नो, कि इसको मिलना है या नहीं मिलना। तो सर ये कैसे फिर हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग है सर, जिसको समझ नहीं आ रही। देखिए मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि आउटपुट आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आंसर दोनों गिवन है ना, यस और नो है, तो आपने ये बताना था मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आउटपुट गिवन है इसका मतलब है। तो एक सुपरवाइज है ना। ओके सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आउटपुट वाला कॉलम जो है वो नहीं गिवन है। चलो तो वहां पे जुर्माना डाल के बगैर बताए बगैर बताए हुए मैं पूछ रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, अगर ना हो और हम पहले गप्पे मारते रहे वो क्या होगा। ठीक हो गया, चलो सही है। बता दिया करो ठीक है कि अभी हो या नहीं। चलो ठीक हो। अच्छा चला, मैं कल यार थोड़ा बिजी था, इसलिए सेंड नहीं कर सका, इंशाल्लाह जुमे के बाद मैं कुछ सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपने मैसेज किया था, मैं कहा था अपलोड करता हूँ, लेकिन ज्यादा ही बिजी था इस वजह से मैं नहीं कर सका, लेकिन आज जुमे के बाद मुझे याद करने मैसेज करके मैं कुछ सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो एक कल एक ही रिपीट है। ठीक है तो ये जो है ना कल वीपी की थी जो वेबसाइट कर रही है यार, 28 वीपी 28 सॉरी चलो ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन वगैरह है बताएं, करना चाहिए तो कर सकते हो। कोड सर, वो डिसीजन ट्री का सर अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपने क्या कोड अपलोड कर दिया है कुछ डेज पहले देखा, तब तक वो आपने खुद पहले करना पड़ेगा, हमने पाई चार्ट पे रन करना है, वो जो पहले खुद करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो ठीक है सर, वो आप कर दीजिएगा, फिर उसी की फिर हम प्रैक्टिस करेंगे ना।
चले यहाँ तक बातें ओके हो गई है, अब आप लोगों को मैं एक कोड नहीं, सर एक मिनट सर, आपने कोड नहीं करना सर सेंड, सर आपने वो फाइल करनी है। नहीं नहीं मैं समझ रही हूँ आपकी बात सर, मैं ये नहीं कि आपने डिसीजन ट्री वो जो हमने पाई चार्ट पे आपने हमें रन करके बताया था ना डिसीजन ट्री का कोड सारा, ठीक है सर, उसमें जो फाइल आपने बीच में इंसर्ट की थी वो फाइल जहां से आ रही थी सर, आपने वो फाइल जस्ट हमें सेंड करनी है जिसमें वो डिसीजन ट्री का पड़ा हुआ सारी इन्फॉर्मेशन मेरा जिसको हम बैट करनी है। ठीक है, अब ये ना जुबे के बाद मैसेज करके याद करा दी कर देता, ठीक है। यस सर सही है। अभी करेंगे, अभी क्लास के बाद, 3 दिनों से कोशिश जा रही है। मैं तो आज करूं, आपको पीएचपी का काम नहीं हो रहा ना, आप यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, और वहां लिखें लॉगिन इन पीएचपी। मेरा मेरी तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है, हालांकि सारा कोड ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं जो भी कोड ट्राई करती हूँ उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही। बस जब वाइवा होगा ना तो आप इंसर्शन पे ज्यादा जोर दीजिए, थोड़ा सा कराए ताकि अभी आईडिया हो। सर वो नहीं करवाती ना, वो डांटती है, बहुत डांटती है सर हम उनकी क्लास। सर असल में बात ये है ना, आप ना सामने एडिटर रख के करते हैं सर, अगर आपको काम नहीं करवाना तो हम लीव कर जाएं सर, सर आपने काम नहीं करवाना तो क्योंकि प्रोजेक्ट का बहुत काम है तो वो करना है, हम लीव कर जाएं। चलो ठीक है, जैसे बल्कि अटेंडेंस वाले गा लेता, अटेंडेंस गा के फिर बैठा जाते जाए। मैं अभी कर रही हूं, मेरा रहता है काफी हद तक डिजाइनिंग मेरा भी करनी है, लेकिन ऑब्वियसली काम अभी ये मैं अटेंडेंस गा दूं और अटेंडेंस के बाद आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। निदा अगर निदा का तुम्हारा भी नहीं हुआ तो फिर मैम को निदा कोई फायदे नहीं है वहां से करने का, खुद ही करना है, एक ही दिन रह गया तो आपको जो कुछ करना है खुद ही करना है, सारा कुछ पांच स्टेप नई नई चीजों में बंदा पड़ता है, ठीक है लीव इट, मैं आप खुद ही करना है जो भी करना है, छोड़ा मैं नई नई मुसीबतें नहीं पाल सकती अब। ओके ठीक है यार, वो उसको एडिट करना। अच्छा टेटस मुझे बोलेगा फिर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, और जो जो आए थे और अभी मौजूद है या पिछली क्लास में थे उनके टेटस बोल के आप जा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब्दुल बसीर, अदीबा सैयद, आमरा रूज, अंजल अहमद का नाम देख सकता रूज, आपने बासित अली ये मौजूद था, बिलाल बासी और बिलाल अहमद यही थे, यही बात है, फैजान मुर्तजा ये था, फरा सलीम थी, अफजा मरियम का नाम देखा था, हैदर अली, जिना मुबीन ये थी, हुमा रियाज थी, ठीक है, इकरा इब्रार भी थी, इकरा जावेद, इकरा कलीम, ठीक हो गया, इरतजा अली था, ठीक है, कोमल अफजल, लारे फरजाना, वलिया गफूर, मिनाज फारूक थी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद उमर, मियाँ परवेज का नाम देख लेता, निदा की अन्नी का है, नूर अली, बैन नहीं अब तक, ठीक है, इसके अलावा सदब जहूर थी, सजन मुबारक, साजिदा उस्मान, सुन्ना सैयद का नाम देखे था, सारा दाद का नाम देखे था, निशान का नाम देखे था, शाकरा फातिमा, हाँ सी आर वो नहीं आया, यसीर शाक नहीं आया, ठीक है, उसकी मैं जान हुई कैपेसिटी लगाऊंगा, सोनिया नहीं, जुबे को छुट्टी होती है, जिस दिन छुट्टी होती है क्लास नहीं देता, और जिस दिन दिकार खोल लिया था से क्लास में पहुंच जाता पहले, सवेरा चाहिए थे, हाँ सोया हुआ
हाँ मंसूर, मैं वैसे बताऊंगा कि तो सोया हुआ था उस क्लास में, ठीक है। मंसूर अली शाह भी मौजूद था, सैयद मोहम्मद अली तकवी है, ताहिर आजम है मौजूद है, तल्ला वजदान है, तथीर जैनब मजिया फातिमा है, यासिर अफा पिछली क्लास में था, इसमें मैं जान भी कभी सिर्फ सेंटी लगाऊंगा, ठीक है ना। जैनब मंजा थी, रिशान अबीब है, चलो यार लाइट एक्सेप्शन है, ठीक है। जुफियां परवेज, हाँ ये है, सर मजिया को अलाउ करने, ठीक है। अब जाना चाहता जो जा सकता है यार, ये अली रखती है भाग गया उसके सेंटी लगा के तो आगे, चलो पहली क्लास में तो सेंट था ना FYP में नहीं, FYP की बात कर रहे हो या वेब की बात कर रहे हो? हाँ जी वेब पे कर लो, जिसके जो क्वेश्चन वगैरह हुए वो हम नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। लेकिन आपने जो है ना नेक्स्ट क्लास पे जो वीका और जे आर ये दोनों चीज आपने इंस्टॉल कर लेनी है, वीका का जो भी और जे आर, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़।